जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विशेष इंफोटेक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर कब आएंगे उसके बारे में तो बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों जो गिरावट शुरू हुई है और जो अब तक जारी है, ये कब तक चलेगी, यानी कि जो शेयर प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, कब तक नीचे आएगा और कहाँ पे जाके प्राइस ठहरेगा, और फिर वहां से, चूंकि पहले इसका ठहरना जरूरी है, ठहर जाएगा तो फिर यहाँ पे समय बिताकर प्राइस ऊपर उठेगा, ताकि ये जब ऊपर उठे तो जो लोग भी लॉस में, उनके लॉस की भरपाई हो सके। और यह भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस सस्ता हो रहा है, तो जब प्राइस सस्ता हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है नए लोग जो इसमें बाई नहीं कर पाए हैं या जो एवरेजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी बढ़िया। आसान भाषा में गए तो विशेष इन्फोटेक्निक्स, जिसका एक और नाम है एमपीएस इन्फोटेक्निक्स, यदि इसके काम को समझे तो ये कंपनी वैश्विक स्तर पर एपीसी से पावर कनेक्शन उपकरण उपलब्ध कराती है और सन माइक्रो सिस्टम से कंप्यूटर रेंज की सुविधा उपलब्ध कराती है। यानी कि आसान भाषा में और कहें तो आईटी संबंधित कंपनी काम करती है, बस आप ऐसे समझ लीजिए। और बड़े बड़े इसके क्लाइंट हैं, तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं घबराना है। मार्केट कैप या बाकी के फंडामेंटल देखेंगे तो वह भी ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन पेनी स्टॉक के हिसाब से ठीक है। जो मेन सवाल है, जैसे मैंने बताया कि शेयर प्राइस कब ठहरेगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स दे दूँ। देखिए, हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि 100 करोड़ से ऊपर कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए, यहाँ पे है, ऑलरेडी 150 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन पहुंच गया है। रही बात शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं माइनस में देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब तक चीजें बेहतर नहीं होती तो रिटर्न ऑन इक्विटी उतना बेहतर नहीं होगा। नीचे चार्ट पर यदि मैं आपको दिखाऊंगी, एक साल के चार्ट पर देखिए क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हुआ था, और जब जब डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होता है चार्ट पर, प्राइस जाता ऊपर ही है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि जो लोग एकदम टॉप पे बाय किए थे वो उन्होंने देखा कि प्राइस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो यहाँ पे वेट करना चाहिए थे। लेकिन लोगों के पास आज के समय पेशेंस नहीं, और जब मैं बार बार कहता हूँ पेशेंस से ही पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन लोग समझते नहीं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस धराशायी हो गया और नीचे आ गया। और चूंकि क्वार्टर टू के नंबर आने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे इस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर उठाने में, तो इसलिए मेरे प्यारे निवेशक, जो भी व्यक्ति इस कंपनी में पैसा लगा रखे हैं, उनको अभी बहुत धैर्य से काम लेना है। और चूंकि धैर्य से काम लेंगे तभी इसका प्राइस इसमें सस्टेन हो पाएगा। अगर क्वार्टर टू का नंबर अच्छा आ गया, जो कि उम्मीद है अच्छा आएगा, तो निश्चित ही प्राइस आपको फिर से बहुत जल्द इस रेंज में आते हुए दिखेगा। और अभी हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि प्राइस इस रेंज में, इसी रेंज में वापस आ जाए। इस रेंज में आएगा तभी समय बिता के प्राइस इस रेंज को ऊपर निकालेगा। यहाँ पे मैं यदि मैक्सिमम इसका चार्ट दिखाऊं, 10 साल का चार्ट मैंने ओपन किया, देखिए अभी तक ये जो लेवल था इसका लगभग 40 पैसा के लेवल, एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। थोड़ा सा नीचे आया है, ज्यादा नीचे नहीं आएगा, 35 पैसा के लेवल के आसपास ऐसा आ सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम 20 पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आप यकीन मानिए। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि रिजल्ट आने के बाद आपको इसमें मतलब सेल नहीं करना है, वेट करना है। वेट करेंगे तो निश्चित प्राइस 35 रुपए के लेवल के आसपास, ये जो 35 रुपए का लेवल यहाँ पे समय बिता के यहीं से फिर ऊपर उठेगा। और जैसे मैंने बताया कि इस लेवल में आना जरूरी है, यहाँ तक प्राइस आएगा तो निश्चित ही इससे ऊपर निकलते हुए आपको दिखेगा। अभी देखिए क्वार्टर्स के आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है। यहाँ पे सेल्स में कुछ बहुत बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिलती, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का सेल्स ज्यादा ही हुआ था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, लेकिन लॉस कम होते हुए दिखा था पिछले क्वार्टर में, तो उम्मीद है कि इस बार जो कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हैं क्वार्टर टू के, उसमें ये लॉस जो है और कम हो जाएगा। और चूंकि लॉस कम होने का मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो रही है। मेन समस्या यही है ना, कंपनी के पास लॉस ज्यादा है, लॉस एक बार कम हो जाएगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, उसके बाद ये कंपनी दौड़ पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के क्लाइंट बहुत बड़े बड़े हैं, कंपनी काम बहुत बड़े स्तर वाली करती है। अब रही बात कि कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर कब आ रहे हैं, देखिए उम्मीद है कि क्वार्टर टू के नंबर लगभग 4-5 दिनों के अंदर आ जाएंगे। और क्वार्टर टू के नंबर एक बार जैसे आ गए, उसके बाद मैं फिर वीडियो बना के नया आपको अपडेट करूंगा कि इसमें आपको करना क्या है। तब तक के लिए आप धैर्य रखिए, क्योंकि पेशेंस पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, बार बार कहता हूँ घबराना नहीं है। तो बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।